नमस्कार, आप सभी को राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू जन जागृति समिति द्वारा राम नाम संकीर्तन अभियान चलाया जा रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं भी उसका हिस्सा बन रही हूँ। राम नवमी से बड़ा कौन सा दिन होगा जिस दिन ये अभियान चलाया जा रहा है। आज के समय में आप सभी जानते हैं कि हम सभी को फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ अपनी मेंटल इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सरल उपाय है, ज्यादा से ज्यादा राम का नाम लेकर, क्योंकि राम नाम अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है जो कि बहुत ही कल्याणकारी है। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम वरानने। राम का नाम जो है राम से भी बड़ा है, और अगर आप इसका जाप निरंतर करते हैं तो आप एक अनोखी मानसिक शक्ति को प्राप्त करते हैं। राम शब्द को जपना क्यों जरूरी है? राम का जो नाम का उत्पत्ति है वो रम धातु से हुई है और उसमें घम प्रत्यय लगा हुआ है। रम का मतलब होता है रमण करना और घम का मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि शून्य रूप में है। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है वो राम है। तो एक नाम बस जपते जाइए और एक अपना मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाइए, एक ऊर्जा पाइए। राम का नाम अनोखा है। धन्यवाद।